24 और हमारा भाई अभी तक 2024 आ गया और ये भाई अभी ट्रेन में नहीं बैठा आज तक, तो ये पहली बार जा रहा ट्रेन में। कैसा लग रहा भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आने दो। ट्रेन के इंतजार में हो, बार बार पूछे जा रहा भाई। क्यूरियोसिटी होती है, पता है ना, क्यूरियोसिटी होती है, नई चीज में जाते हैं तो अभी इसको क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, मेरा नाम है अदर और आप देख रहे हैं फूड स्मेल्स व्लॉग। तो गाइस अभी निकल चुके हैं भाई हम अपने टूर के लिए, तो ये टूर थोड़ा सा सीक्रेट होने वाला है, तो आगे चल के आपको पता चलेगा जब हम ट्रेन में बैठेंगे। तो अभी हम बस का इंतजार कर रहे हैं, लखनऊ जाने वाले हैं, लखनऊ चलते हैं और लखनऊ में दिखाते हैं आपको। पहले बस का बस आती है तो बस में बैठते हैं। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं भाई लखनऊ के लिए, ये देख सकते हो भाई हमारी बस है, ये रोडवेज बस है भाई, ये लखनऊ ले जाएगी हमें, लखनऊ चलेंगे और वहाँ से 4 बजे से हमारी ट्रेन है। ट्रेन का टाइम हो गया भाई, शेड्यूल हो गया लेट, 4 घंटे हमारी ट्रेन लेट चल रही है, इसलिए लेट निकल रहे हैं। थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही होगी, अभी शीशे से हवा की आवाज़ आ रही होगी। तो अब लखनऊ पहुँचते हैं और आपको रास्ते में दिखाते हैं नज़ारे, कैसे कैसे नज़ारे होने वाले हैं। तो गाइस फाइनली देख सकते हो भाई हम केसरबाग पहुंच चुके हैं भाई, काफ़ी टाइम लग गया भाई, केसरबाग पहुंच चुके हैं। तो अभी आगे चलते हैं भाई टुंडे, पहले खाना पैक कराते हैं फिर चलते हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ पे आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे रुके भाई डिनर के लिए, देख सकते हो भाई लखनऊ में। तो अभी हमने मंगाया कुलचा सीरमाल और ये गूदा निहारी मंगाई है, गूदा निहारी, तो ये देख सकते हो भाई काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी इसको खा के दिखाते हैं आपको कैसा टेस्ट है इसका। तो गाइस यहाँ पे टुंडे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अपना खाना पैक करा लेंगे भाई। ये देख सकते हो भाई कबाब बनाए जा रहे हैं जबरदस्त तरीके से, फटाफट यहाँ पे सारा काम तेज़ी से होता है, तो पैक कराते हैं और चलते हैं रेलवे स्टेशन। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई लखनऊ पहुँच चुके हैं हम, तो काफ़ी टाइम लग गया भाई लखनऊ आने में, ट्रेन हमारी लेट थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये देख सकते हो भाई लखनऊ पहुँच चुके हैं, अभी हमारी ट्रेन आने वाली है अवध असम, तो चलते हैं उसमें और ट्रेन के अंदर से भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई ट्रेन के अंदर स्टेशन पे आ चुके हैं हम, ये हमारा भाई ये लड्डा भाई है, ये देख सकते हो। तो स्टेशन पे आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी हमारी अवध असम, तो अभी जैसी आती है दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस अभी आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, देखो ये चल रहा है 2024 और हमारा भाई अभी तक 2024 आ गया और ये भाई अभी ट्रेन में नहीं बैठा आज तक, तो ये पहली बार जा रहा ट्रेन में। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आने दो। ट्रेन के इंतजार में हो, बार बार पूछे जा रहा भाई, क्यूरियोसिटी होती है, पता है ना, क्यूरियोसिटी होती है, नई चीज़ में जाते हैं तो अभी इसको क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई कैसी होती है ट्रेन, क्या होता है, डब्बे कैसे हैं, तो इस सब सारी चीज़ें दिखाएंगे भाई को, एक्सपीरियंस कराते हुए ले जाएंगे पूरा असम तक। क्यों भाई अकरम भाई, कैसा कहते हो, कराएंगे इंजॉय इनको पूरा अंदर तक। एक भाई हमारे सिर्फ आज की में चूर हैं, वो सिर्फ बात चल रही है भाई, तो उनको बात करने दो भाई उनको, ठीक है, बाकी आपको मिलता है ट्रेन के अंदर। तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं भाई ट्रेन के अंदर, काफ़ी देर आने के बाद भाई पहुंची है, तो अपना बिस्तर उस्तर सेट कर लिया भाई मैंने, यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा अपना सारा बिस्तर सेट कर दिया है। यहाँ पे इस बार टावल भी मिली है, पिछली बार आए थे तो टावल नहीं मिली थी, तो ये हमारे भाई भाई भी लेट गए भाई, काफ़ी लेट हो गई है भाई, टाइम हो गया है 10:30 हो गया टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी रात हो गई है भाई, सुबह मिलते हैं और एक बार मैं अंदर का व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा सैफुद्दीन भाई है, देखो भाई पहली बार आया ट्रेन में, कैसा लग रहा है भाई ट्रेन में तुमको? बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है और क्या। देखो भाई कम्बल अम्बल मिला है, कह रहा है कि भाई ट्रेन में ऐसा भी होता है, तो ये देख सकते हो भाई पहला एक्सपीरियंस है, तो भाई को मज़ा आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। हम मिलते हैं सीधा सुबह, देखते हैं सुबह कहाँ पहुँचती है और फिर वहीं पर आपसे मुलाकात होगी। कहाँ बोर्ड नीचे होते हैं, नीचे उतर के बता लीजिएगा, हमको कैसे मालूम, जब आपको मालूम नहीं तो तुम कॉफी बेचा का तो आप जाना है डेली का, तुम्हारा है काम डेली काम है, हम लोग को डेली के सर्वे ये बोर्ड पर नहीं आता। कितने की स्टेशन? 25-25 पढ़े लिखे रहते तब तो बताइए रहता, रेलवे कॉफी है 25 की मामूली बात है। ये रहा तू लड्डा। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम सिवान। तो गाइस बिहार पहुंच चुके हैं भाई, अभी काफ़ी देर चलने के बाद रात में मस्त नींद आ गई भाई, ज़बरदस्त एकदम बढ़िया हो रखा था मौसम, तो ये देख लो भाई कॉफ़ी ले लिए, 25 रुपए की कॉफ़ी है भाई, पाउडर मिल्क है इसमें, ठीक है दूध नहीं है, पाउडर मिल्क है, तो ये लिए भाई 25 रुपए की कॉफ़ी इंडियन रेलवे, चेक करते हैं कैसी है, ठीक ठाक है भाई बट 25 रुपए के हिसाब से सही नहीं है, बाकी वैसे सही है। तो इधर भाई हमारे उठ चुके हैं, देखो कैसा लग रहा है भाई, कैसा लगा रात में नींद आई? नींद तो आई
है, ये देखो लग रहा है, मजा आ गया इसमें जबरदस्त। एक इधर सो रहा है भाई, कैसा लगा भाई मजा आया? मजा नहीं कद्दू मजा आया, अभी जरा रोड पूछिए ट्रेन गया। एक भाई नीचे सो रहे हैं, सिर्फ पान खा रहे हैं, पान पान खाने आए हैं सिर्फ भाई हमारे, तो नीचे सिर्फ पान खा रहे हैं, तो अभी मैं उनको नहीं दिखाऊंगा। बाकी कॉफी इंजॉय करते हैं और आगे देखते हैं किसी स्टेशन पे कुछ मिलता है बिहार में, अगर लिट्टी चौखा तो लिट्टी चौखा ट्राई करेंगे। तो गाइस अभी सुबह हो गई है, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अंजीर ले ली थी रास्ते में, थोड़ा सा इससे क्या होता है ना एनर्जी जल्दी आ जाती है, आपको पता है किसके कितने बेनिफिट हैं, क्योंकि जो खाता है अंजीर वो हो जाता है जंजीर। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा खजूरें भी ले ली थी, ये देख सकते हो भाई हमारी खजूरें भी हैं, ये खजूरें आ गई एकदम खालिश खजूरें, एकदम सूखी बढ़िया वाली जबरदस्त। और ये अपनी अंजीर है, हलवा भी, गाजर का हलवा भी ले लिया था, इधर उठाओ ये देखिए, तो ये गाजर का हलवा भी हमने ले लिया था प्योर खोए वाला देसी घी वाला, तो ये देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी टुंडे कबाब तो हमने खोला नहीं है, वो आपको दिखाएंगे हम 10 बजे के बाद, बाकी ये ब्रेकफास्ट में है, ये हमारा पोस्ट ब्रेकफास्ट है, फिर आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं भाई बाकी। और हमारा भाई नीचे बैठा हुआ है, बार बार कटोरी ऊपर कर दे रहा है, कोई चीज़ दो तो कटोरी ऊपर कर दे रहा है, दिखाया तुम्हें कटोरी ऊपर करके, देखो लो भाई ये देखो कटोरी ऊपर हो गई, कितनी अंजीर गए नीचे वीडियो के चक्कर में, चार बार अंजीर खिलाई है। गाइस अभी देख सकते हो भाई सोनपुर पहुंच चुके हैं हम, ये देख सकते हो हमारा स्टेशन है सोनपुर, ट्रेन का भी सिग्नल हो गया, तो चलते हैं भाई ट्रेन के अंदर, ट्रेन चलने वाली है भाई, बहुत रुक रुक के चल रही यार, दिमाग खराब हो गया भाई, बहुत रुक के चल रही है, बहुत ज़्यादा लेट है, चलते हैं भाई ट्रेन के अंदर क्योंकि ट्रेन चल चुकी है, आ जाओ। गाइस फाइनली हम मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं भाई, ये देख सकते हो काफ़ी देर के बाद, भाई कैसा लग रहा है मुजफ्फरपुर पहुँच के, मज़ा आ रहा है? तो गाइस मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं, और ये पीछे से दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो भाई बहुत बड़ा स्टेशन है, बट स्टेशन की हालत थोड़ा सा ख़राब सी लग रही है, बाकी इसके बाद जो समस्तीपुर आने वाला है, और हमारे एक दोस्त का गाँव भी है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, तो भाई देख रहा है वीडियो को तो कमेंट जरूर करना, आगे मिलते हैं समस्तीपुर में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई हमने जो टुंडे कबाब से सीरमाल और कबाब पैक कराए थे, तो अभी लंच करने का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे हमारी ये सीरमाल पैक है, 20 सीरमाल हमने कराई थी, 25 कबाब, तो ये देख सकते हो भाई सीरमाल निकाल लें, सीरमाल एकदम फ्रेश है भाई, पूरी एकदम ज़बरदस्त लाल हो रखी है, और इस साइड पे ये देख सकते हो हमारे कबाब हैं, तो ये पूरे कबाब हैं जो कि ग्लोटी कबाब हैं, ये देख सकते हो भाई काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। दोस्तों बच चुके हैं भाई अभी 5:30, और यहाँ पे देख सकते हो भाई धूप बहुत ही भीड़ है, ये कटिहार स्टेशन, तो कटिहार पहुँच चुके हैं भाई बिहार के कटिहार में, अभी यहाँ पे देख सकते हो भाई भाई हमारे सारे हैं, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, तो आगे ऐसी जर्नी होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी है, काफ़ी कंफ्यूजिंग सी है भाई, बहुत ज़्यादा पब्लिक है यार, समझ नहीं आ रहा एसी क्या है, बट एसी में है तो इसलिए थोड़ा सा बचे हुए, वरना फिर तो भाई बचते ही नहीं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई ये एसी का हाल है भाई, बिहार के अंदर ये एसी का हाल है, पूरी भाई साहब एसी भरी हुई है भाई जनरल डब्बे वालों से, और ये देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, एकदम ज़बरदस्त वाली भीड़ हो रखी है, और यहाँ पे भाई पूरी एसी भर चुकी है भाई जनरल वालों से, और अभी हमें 10 बजे हम पहुँचेंगे न्यू जलपाईगुड़ी, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, कटिहार में पहुँच चुके हैं, तो कटिहार काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो भी कटिहार से भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा है ट्रेन का। गाइस ये देख सकते हो भाई ये एसी कोच है भाई, इंडियन रेलवे का एसी कोच, ये देख सकते हो भाई जनरल बना रखा है इसको, ट्रेन का नाम है हवा दसम, ये देख सकते हो भाई एसी कोच को जनरल बना रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, सीट के अंदर इतनी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है भाई। गाइस फाइनली भाई 24 घंटे की सफ़र करने के बाद भाई न्यू जलपाईगुड़ी आ चुके हैं, तो यहाँ से भाई अभी हम जा नहीं पाएंगे भाई सिक्किम, क्योंकि रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो यहीं पर आज स्टे करेंगे, तो देखते हैं अगर कोई होटल मिलता है तो वहीं पे चलते हैं होटल पे, और कोई होटल लेते हैं और वहाँ पे आपसे बात करते हैं। तो ये पूरा स्टेशन है, एक बार दिखा देता हूँ मैं पीछे से आपको, यहाँ से ये देख सकते हो भाई ये है न्यू जलपाईगुड़ी, यहाँ पे देख सकते हो भाई कैफे वैफे भी बना रखा है इधर, ज़बरदस्त कैफे बना रखा है, इस साइड पर पूरा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, ये देखो भाई पूरा, तो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है भाई, पूरे 24 घंटे का सफ़र करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, अब बाहर चलते हैं और देखते हैं कोई होटल मिलता है तो वहाँ स्टे करते हैं, और सुबह निकलते हैं भाई गैंगटॉक के लिए। सब जगह के सामान थोड़े हो रहा है, मान ले कहीं कहीं जाके मिल, एक जगह मान ले मिल, एक जगह ना मिल। तो गाइस 24 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद भाई पहुंच चुके हैं भाई न्यू जलपाईगुड़ी, तो यहीं पे अभी लॉन्च ले लिया भाई, यहीं पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे जो लॉन्च का प्राइस है वो भाई 500, 700, 800 ऐसी रेट है, तो बार्गेनिंग करके भाई अगर आप आ रहे हो तो रुक जाना, अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर लेना, सब गीजर वाले रूम का अलग रेट है, तो हमने गीजर वाला रूम लिया जो कि हमें पड़ा है 800 रुपये, बाकी आप अपना देख सकते हो भाई 500 वाला जैसे भी ले सकते हो। तो सुबह निकलेंगे गैंगटॉक, तो इस व्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पे ख़त्म, ये था एपिसोड 1, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए अलविदा।